ये तो हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को सारा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में जानी जाती है, तो वहीं ये दिन अन्य कई वजहों से भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आइए आपको बताते हैं देश और दुनिया में 26 जनवरी का दिन क्यों खास है। इस दिन 1956 में मुगल सम्राट बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। 1930 में ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी को रिहा किया गया था। 1950 में भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। साथ ही अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। 1963 में मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। 1972 में दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति को स्थापित किया गया था। वहीं विदेश में 1966 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1845 में ब्रिटिश जनरल चार्ल्स गार्डन सूडान में मारे गए थे। 1931 में हंगरी और ऑस्ट्रेलिया ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1904 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष बिल गेट्स को नाइट की उपाधि प्रदान करने की घोषणा की थी। 1981 में वायुदूत हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। साल 2000 में कोंकण रेलवे परियोजना पूर्ण हुई और प्रथम यात्री गाड़ी चलाई गई। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली।